सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है कट एरिया क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं और इसकी क्या रेमेडीज होती हैं। तो कट एरिया क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कट एरिया क्या होता है। आप किसी भी के भी घर का जो है वास्तु करते हो, या आपका खुद का ही मान लो घर है, खुद की कोई शॉप है, खुद को कमर्शियल एरिया है, कोई फैक्ट्री है आपकी, जो भी है, जहाँ भी आप रहते हो या जहाँ भी आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, जिस एरिया को, जो भी आपका एरिया है, आप किसी घर में रह रहे हो, तो उस एरिया का कोई ना कोई पोर्शन मान लो कट हो गया है। अब कट कैसे हो जाता है पहले तो यही जानना जरूरी है कट कैसे हो जाता है। अधिकतर लोग क्या है कि जो आजकल जो फ्लैट वगैरह बनते हैं उसके अकॉर्डिंग जरा सा एरिया कटिंग हुआ, उन्होंने कहा कट हो गया हमारा। तो ऐसा नहीं है कि हर एरिया को आप कट मान ले, इसके भी कुछ थंब रूल होते हैं कि कट किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कट होता क्या है। चलो पहले आपको ये समझाता है कि कट होता क्या है। जब तक आप कटिंग नहीं समझोगे उसके बाद ही उसके इफेक्ट समझोगे, उसी के बाद उसकी रेमेडीज समझोगे। ऐसा नहीं है कि कटिंग नहीं है और आपने उसकी सीधा रेमेडीज स्टार्ट कर दी यूट्यूब की वीडियोस देख देख के। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कट किसे कहते हैं। चलिए पहले ये जाने कि कट किसे कहते हैं। तो जैसे भी मैंने कहा कि कट किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। मान लो कोई भी आपका प्लॉट है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी आपका प्लॉट है, जैसे ये आपका प्लॉट है, ये आपका स्क्वायर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लॉट आपका स्क्वायर रहना जरूरी है। अगर कोई प्लॉट आपका स्क्वायर नहीं है तो आप ये समझिए उसमें कोई कटिंग पोर्शन आ सकता है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, कहने का मतलब क्या है कि चारों साइड उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी 16 डायरेक्शन बनती है, 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से बनता है। तो इसमें आप देख लीजिए कोई भी आपका कटिंग पोर्शन नहीं है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब कंडीशंस क्या आती है कि मान लो कोई एरिया कट है, इसको हम कैसे पहचाने। इसके लिए आपको क्या पहचानना है, मानो आपका ये इस तरीके से है, ये आपका कोई एरिया है आपके फ्लैट का या आपके घर का, आप इस एरिया में रह रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये एरिया आपका कटिंग में है, आप भी कहोगे या कोई भी कहेगा कि ये कटिंग में है। मान लो ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, तो हम क्या कहेंगे, ये एरिया हमारा कट है, जनरल सी बात है, कटिंग ही कहा जाएगा। लेकिन अगर ये आपका, आप फ्लैट में नहीं रह रहे हो, आप जो है आपका ये अपना मकान है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर ही आपने अपना एक और पोर्शन बना रखा है, और उसमें यहाँ पे आपने जो है ऊपर के पोर्शन की मैं बात कर रही हूं, ऊपर के पोर्शन में आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्या डाल दी है, छत डाल रखी है। ये आपका पोर्च एरिया तो है नहीं, ये आपका तो कटिंग एरिया है नीचे के हिसाब से, लेकिन ऊपर के जो आपका फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें आपने यहाँ पे छत डाल रखी है, तो ये एरिया आपका क्या हो गया, कवर्ड हो गया, इसमें आपकी छत आ गई। उस कंडीशंस में आप इसे कट एरिया नहीं मानेंगे, पहले तो इस चीज को समझ लीजिए। ये एक बहुत ही परेशानी की बात है हर इंसान की, कि लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि आपका जो है ये एरिया, आपका ये एरिया, यहाँ पे आपने मकान नहीं बना रखा, ये आपका फर्श है, खाली आपका जो है यहाँ पे फर्श है, आपका यहाँ पे गेट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका छत नहीं है, तो ये आपका कटिंग एरिया माना जाएगा, आप ये सोच के चलेंगे। और जब आप ऊपर का जो है फ्लोर बनाएंगे, ऊपर के फ्लोर में आपने इस पे यहाँ पे छत डाल दी, तो आपका ये कट एरिया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मान लो अपने ऊपर का भी ऐसे ही बनाया, सेम कि आपने ऊपर का भी डिजाइन इसी तरीके से दिया, तब आप कह सकते हैं कि ये आपका कटिंग में है। तो आप इसमें आप क्या समझ सकते हैं, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका इस तरीके से कोई एरिया है, तो आप उसकी रेमेडीज, सबसे पहले रेमेडीज ही आ गई आपके पास कि आप इसके ऊपर के एरिया को छत डाल दीजिए, तो ये आपकी रेमेडीज हो गई, ये आपका कट एरिया नहीं माना जाएगा, आपको रेमेडीज की जरूरत नहीं है उस कंडीशंस में, ठीक है। पहली चीज ये होती है। अब जैसे मैंने कहा कि मान लो नॉर्थ ईस्ट है और आपने यहाँ पे छत नहीं डाली और ये एरिया आपका कट है, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। कोई भी एरिया है, देखो कोई भी आपकी बिल्डिंग है, कोई भी आपने मकान बनाया, मान लो आपका इस तरीके से मकान है, तो ये भी आप कट मानेंगे, ये भी कट मानेंगे, ये भी कट मानेंगे, ये सारे आपके कटिंग में ही आ जाते हैं, थंब रूल है ये आपका, कटिंग में माना जाएगा इसको। तो इसके हम क्या रेमेडीज, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पहले इफेक्ट की बात हो रही थी। जिस एरिया में आपकी कटिंग आएगा ये,
उसके इफेक्ट कट जाते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि ये एरिया ही कट गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट कट गया, इसका मतलब हमारा ईशान कोण कट गया। ईशान कोण नहीं कटता, कभी भी एरिया नहीं कटते। हाँ ये जरूर है कि इस एरिया के जो देव हैं, जो हमारे 45 देवताओं में जो एनर्जी फील्ड है, उनकी एनर्जीज डाउन हो जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट है और आप कह रहे हो कि ईशान कोण कट गया है, तो क्या वास्तु पुरुष का सर कट गया है? बिल्कुल नहीं कटा। इतना जरूर है कि उनका यहाँ पे सर तो है, वास्तु पुरुष का यहाँ सर है, यहाँ इस तरीके से जो है उनका सर है, जैसे आपको पता है इस तरीके से वास्तुदेव आपके बैठते हैं, तो यहाँ इनका सर तो है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है डाउन हो गई है, कैपेसिटी उनकी डाउन हो गई है, प्रॉब्लम ये हो जाती है बस। तो हमें इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी डाउन हो गई है, उसको हमें ताकत देनी होती है, ताकि जो ये एरिया कटिंग मान के आप चल रहे हो, जिसकी एनर्जी डाउन है, उसको ताकत मिले और वो फिर से जो नॉर्थ ईस्ट के सिम्टम्स है उसको वो जागृत कर सके। अब ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका कट है तो क्या होगा, इंसान के सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल डाउन हो जाती है, ताकत नहीं रहती। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, या फिर हम जनरली यूज करते हैं, बादाम को यूज करते हैं किसको, अपने दिमाग को ताकत देने के लिए, जिससे कि उसकी एनर्जी बनी रहे। ये वो बादाम ही है, ये आपका दिमाग है, और ये जो हम रेमेडीज बताते हैं, ये इनके बादाम ही होते हैं कि ईशान कोण हमारा कट गया है तो इनको बादाम खिलाइए आप। अब वो बादाम कैसे खिलाने हैं, वो रेमेडीज का पार्ट हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, लेकिन वो कुछ जनरली से कुछ रेमेडीज होंगी, क्योंकि जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट का मैं बता रही हूँ तो नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी होगी, लेकिन एरिया कहीं भी कटिंग हो सकता है। एरिया आपका साउथ ईस्ट में भी कट हो सकता है, आपका साउथ वेस्ट में भी कट हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सभी के इफेक्ट होते हैं। तो वो सब देखो कोर्स का पार्ट है, इतना सारा क्योंकि क्लियर समझाया नहीं जा सकता, डीपली समझना है तो आप इसके लिए अभी कोर्स स्टार्ट है 11 जुलाई से, जो कि मंथली में जो है इंस्टॉलमेंट में कर दिया है, आप उसको ज्वाइन करके समझ सकते हैं, पूरा उसमें डीपली समझाया जाता है। और इसके अलावा यदि आपको अभी फुल कोर्स होगा अगस्त के महीने में, जिसमें सारे कोर्स इंक्लूडेड है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि किसी को अपने घर का वास्तु ही करवाना है बिना तोड़फोड़ के, तो वो भी जो है हमसे बात कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ जो मैं समझा रही हूँ उससे आपको कुछ आइडियाज लग जाएंगे कि क्या इफेक्ट होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट कट है तो इंसान का क्या है, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। खत्म से मतलब क्या, बिल्कुल कैपेसिटी निल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका सर नहीं है, सर की कैपेसिटी नहीं है, सर तो है, सर की कैपेसिटी नहीं है, इसको बादाम खिलाना पड़ेगा, जिससे कि ईशान कोण की जो एनर्जी है वो जागृत हो जाए, ठीक है। तो कोई भी एरिया जो है जब वो कट हो जाता है, तो उसको आप ये मत कहिए कि वो एरिया आपका खत्म हो गया है। साउथ वेस्ट कट है तो क्या इंसान के पैर खत्म हो जाएंगे? अगर वास्तुदेव है यहाँ पे, वास्तुदेव के यहाँ पे पैर बने हुए हैं आपको पता है, और ये आपका साउथ वेस्ट है, और आप कह रहे हैं कि साहब जो हमारा साउथ वेस्ट यहाँ से कटा हुआ है, ये एरिया आपका यहाँ से कटा हुआ है, मान लो ये इस तरीके से आपका एरिया इस तरीके से, तो आप ये कहेंगे कि साउथ वेस्ट है तो इसके वास्तुदेव के पैर कटे हुए हैं, और पैर कटे हुए हैं तो फिर वास्तुदेव आपके घर को कैसे चलाएगा? जनरल सी बात है ना। तो ये हम एरिया कट नहीं कहेंगे, ये हम कहेंगे कि इनके पैरों की एनर्जी फील्ड डाउन हो गई है, उन्हें हमें ताकत देनी है। ताकत क्या है? ताकत आपका है रेमेडीज का पार्ट, रेमेडीज करनी पड़ती है इस ताकत के पोर्शन में, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट समझ आ गए होंगे, कोई भी एरिया डाउन हो गया, साउथ वेस्ट डाउन हो गया, तो क्या है आदमी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, एक पितृदोष जिसे बोलते हैं वो एक जागृत हो जाता है ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को बैलेंस करना होता है, ये जो कटिंग एरिया है इसको हमें बैलेंस करना होता है। नॉर्थ ईस्ट यदि आपका कट है तो इसमें आपको रेमेडीज के तौर पे क्या करना पड़ेगा, अब उस पर पहुंचते हैं। इफेक्ट तो आपको समझ आ गए होंगे, अब क्या करना है हमें इसमें, देखो एक तो मिरर टेक्निक होती है, कोई भी एरिया हमारा कट है तो उसमें हमें मिरर लगाना पड़ता है। मिरर लगाने से क्या है, उस जगह की एनर्जी जो एनहांस हो जाती है, हम एक ताकत लेते हैं इसमें। जैसे अब ये एरिया कट है तो यहाँ पे आपका जो है मिरर लगाया जाता है, ये एरिया कट है तो यहाँ मिरर लगाया जाता है, अलग अलग इसके थंब रूल्स हैं किस तरीके से क्या होता है, वो सब देखो वास्तु का उसका कोर्स का पार्ट है, तो डीपली मैं आपको नहीं समझा सकती, थोड़ा सा समझा सकती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यदि कट है तो आप यहाँ पे मिरर लगाइए। प्रॉब्लम कहाँ है, किसी का साउथ वेस्ट भी कट है, उसने वहां मिरर लगा दिया वीडियोस देख के, अब उसके बाद क्या है, जैसे मिरर लगाया तो वो एरिया तो कट है, वहां पे नेगेटिव और एनर्जी चली गई, क्योंकि वो एंटी है मिरर वहां पे, फिर वो बंदा क्या हमें ही गालियां देगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम का मैटर है, इसे बिना सोचे समझे कोई काम ना करें मेहरबानी करके, नहीं तो आपको ही इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, फिर हमें परेशानियां होती है कि आप हमें कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा समझाया जिसके कारण हमें नुकसान हुआ, सोच समझ के करना पड़ता है सब चीज। नॉर्थ ईस्ट कट है तो उसमें हम रेमेडीज का यूज करेंगे मिरर के रूप में, लेकिन साउथ वेस्ट में मिरर यूज नहीं करते, और अगर साउथ वेस्ट में मिरर यूज किया तो उसके भी कुछ
चेंजेस होते हैं जिनको हम यूज करके थोड़ी सी रेमेडीज और ऐड करके तब हम मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट कट है आपका, तो आप अभी मिरर यूज करिए, वो आपको यहाँ आराम से काम करेगा। इसके अलावा स्पॉट लाइट्स होती हैं कुछ, जो जिस एरिया की जो आपकी एनर्जीज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर की स्पॉट लाइट लगा सकते हैं। उससे क्या है, स्पॉट लाइट से इस जगह पे जब फोकस पड़ेगा तो इसकी एनर्जी एनहांस हो जाएगी। स्पॉटलाइट आप डायरेक्शंस के हिसाब से उनके कलर्स यूज करके स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी एक रेमेडीज है। इसके अलावा हम जो है तुलसी का पौधा भी यूज करते हैं। तुलसी का पौधा क्या है, तुलसी का पौधा आपकी हर एनर्जी फील्ड को बढ़ाने का काम करता है। अब इसमें भी देखो प्रॉब्लम आ जाती है, तुलसी का पौधा हमने साउथ वेस्ट में लगा लिया, तुलसी का पौधा हमारा वेस्ट का एरिया डाउन है वहां पर हमने लगा लिया, फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि तुलसी सबसे पवित्र उसमें मानी जाती है, ईश्वरीय शक्ति मानी जाती है तुलसी का पौधा, लेकिन फिर भी इसमें जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर, वहां पे एंटी का काम करते हैं। थोड़ी सी रेमेडीज ऐड करके तब हम उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ रेमेडीज, बाकी कई रेमेडीज हैं, पिरामिड्स भी यूज करते हैं, काफी अच्छी अच्छी रेमेडीज है, लेकिन इसमें भी फिलहाल मैं आपको कुछ रेमेडीज ही बताऊंगी। आप मिरर टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं, ब्रास की तुलसी यूज कर सकते हैं, ब्रास की तुलसी नहीं, सॉरी इसकी श्यामा तुलसी, ब्रास की तुलसी मैं गलत आपसे वर्ड बोलूंगी, श्यामा तुलसी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, दो तुलसी होती है, तो आप श्यामा तुलसी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ठीक है, तो कोई भी एरिया आपका कट है उसका खास ध्यान रखिए कि कटिंग को हमें कैसे समझना है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। छत पड़ जाती है तो आप समझ लीजिए वो एरिया कट नहीं है, उसको थोड़ा सा समझ के चलिए, और छत नहीं है तो फिर उसको रेमेडीज की आपको जरूरत है। और इसके अलावा जो रेमेडीज हैं वो मिरर की आपको कहाँ यूज करनी है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने यहाँ यूज करी तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, साउथ वेस्ट में मिरर यूज किया तो, फिर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज ऐड करनी पड़ती है, बैलेंसिंग रेमेडीज ऐड करनी पड़ती है। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट की बात थी, नॉर्थ ईस्ट यदि आपका कट है तो आपको क्या रेमेडीज करनी है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके साथ ही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको और ब्रीफली इसको चीज को समझना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, और अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते आप तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है इस चीज को अपने घर का वास्तु आप सही कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप जो है वास्तु के अनुसार नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और इसी से रिलेटेड कई वीडियोस आपके सामने अगली वीडियोस में रखी जाएंगी। और अगर आपको पर्सनली कुछ समझना है इसमें या जानना है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप उसमें हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और अगली वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। फाइनली क्या देखा जाता है वो तभी मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल आपको इतना पता है, NNE वगैरह पता है, SSW पता है, इसको पता है। ये 10 फुट से ऊपर है ना, ये वाला दूसरा वाला दूसरे छोर, ये 10 फुट से ऊपर है, हम जो कट है वो 10 फुट से ऊपर है।